इमर्जिंग एशिया कप 2024, जहाँ इस टूर्नामेंट की अगर बात करें तो आज अगर आप देखें तो 16 तारीख हो जाती है और 18 तारीख से ये जो टूर्नामेंट है ये शुरू होने वाला है। जी हाँ, इमर्जिंग एशिया कप है क्या, आपको सबसे पहले बता दें, एशिया कप की तरह ही है, जैसे एशिया कप होता है जो सीनियर टीम्स का, एशिया कप की तरह ही है, बस इसमें ए साइड्स खेलती हुई नजर आती है फुल मेंबर्स की, बांग्लादेश ए हो, इंडिया ए हो, पाकिस्तान ए हो, श्रीलंका ए हो, अफगानिस्तान ए हो, ए साइड्स खेलती हुई यहाँ पर नजर आती है, इमर्जिंग साइड्स यहाँ खेलती हुई नजर आती है। और उसके साथ साथ जो आप देखें प्रीमियर कप, जैसे कप जो होता है उसकी जो टॉप तीन टीमें होती है एसोसिएट में, वो तीन टीमें यहां पर आकर ज्वाइन करने एक मौका दिया जाता है कि आप इससे भी अगर आप टॉप तीन में आए तो चलिए आपको एक रिवॉर्ड मिलता है कि आप फुल मेंबर्स की इमर्जिंग साइड के खिलाफ आपको टूर्नामेंट खेलने का मौका मिलेगा। तो वो तीन टीमें और ये पांच टीमें मिलाकर आठ टीमों का इमर्जिंग साइड का टूर्नामेंट होता है। हालांकि एसोसिएट्स में कुछ आठ टीमों को हम देखते हैं वो पूरी मेन टीम उतार देते हैं, इसमें उन्हें सोचना चाहिए कि इमर्जिंग प्लेयर्स को, यंग प्लेयर्स को भेजे बजाय खुद ही सब आ जाए। जैसे हमने बात भी की थी, जो ओमान की टीम है, हांगकांग टीम है, उन्होंने सेम वही टीम उतार दिया जो वो सीनियर टीम के लिए खेलते हैं। खैर चलिए, वो एक अलग मुद्दा है। तो ये टूर्नामेंट होता है एसीसी इमर्जिंग एशिया कप जो 18 तारीख से शुरू होने वाला है। शुरुआत करते हैं फिक्सर्स से, फटाफट फिक्सर्स आप बताएंगे 18 तारीख से लेकर लास्ट डेट तक कौन कौन से मैच कब कब होंगे। जरूर, 18 तारीख की बात करें तो पहला मैच है बांग्लादेश वर्सेस हांगकांग, फिर दूसरा मैच उसी दिन 18 तारीख को श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान। बिल्कुल, उसके बाद बात करें तो 19 तारीख को यूएई वर्सेस ओमान और 19 तारीख को ही इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। जी हाँ, मेगा क्लास जो हम कह रहे हैं 19 तारीख को होगा, और मेगा क्लास एक आध और भी है आगे इस चीज में, जरूर बात करेंगे यार। उसके बाद जरूर 20 अक्टूबर की बात करें श्रीलंका वर्सेस हांगकांग, और उसके बाद 20 अक्टूबर को ही जो दूसरा मैच है वो है बांग्लादेश ए वर्सेस अफगानिस्तान ए। जी हाँ, वो आप खुद ही समझ जाइए कि एक ही साइड की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद 21 अक्टूबर की बात करें तो पाकिस्तान वर्सेस ओमान और इंडिया वर्सेस यूएई, और उसके बाद 22 तारीख की अगर यहाँ पर बात करें अफगानिस्तान वर्सेस हांगकांग, और 22 तारीख को बांग्लादेश वर्सेस अगर आप देखें श्रीलंका। जी हाँ, ये भी एक बहुत अच्छा मैच यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है यार। उसके बाद जरूर 23 अक्टूबर की बात करें तो पाकिस्तान वर्सेस यूएई और इंडिया वर्सेस ओमान। जी हाँ, और उसके बाद 24 अक्टूबर को रेस्ट डे। जी हाँ, और 25 अक्टूबर को दोनों सेमीफाइनल्स होने हैं, सेमीफाइनल वन और सेमीफाइनल टू, और 27 अक्टूबर को इस टूर्नामेंट का फाइनल होना है। जो इस मैच को जीतेगा फाइनल को वो डेफिनेटली इस ट्रॉफी को उठाता हुआ नजर आएगा। वही ग्रुप्स की बात करें तो ग्रुप ए में जो है वो श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग। जी हाँ, ये चार टीमें ग्रुप ए में है, और ग्रुप बी की बात करें तो इंडिया, पाकिस्तान, यूएई और ओमान, ये ग्रुप बी में है। यानी श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जो है वो इंडिया और पाकिस्तान से ग्रुप स्टेज जो बिल्कुल नहीं भिड़ेगी, वो अपने ग्रुप में अलग है, सेमीफाइनल पहुंचे तो ही उनका सामना यहाँ पर होगा। तो ये ग्रुप्स की यहाँ पर बात होगी। उसके बाद है बात करते हैं टाइमिंग्स की, वेन्यूज की, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप। जरूर, देखिए टाइमिंग्स की बात करें तो दो मैच पर डे होने हैं, और जो ग्रुप स्टेज के मैचेस हैं वो दो मैचेस पर डे करके होने हैं, और एक मैच 2:30 बजे IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक है, और दूसरा मैच जो खेला जाएगा उसी दिन वो 7 बजे या शाम 7 बजे वो मैच खेला जाएगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक। बिल्कुल, उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़े वेन्यू का, तो ओमान क्रिकेट एकेडमी मस्कट, जहाँ वहीं पर ये सारे मैचेस होने हैं, डबल डबल मैचेस हैं, पर दो मैचेस हैं जैसा मैंने बताया, 2:30 बजे और 7 बजे ओमान क्रिकेट एकेडमी में ये मैचेस खेले जा रहे हैं। उसके बाद लाइव स्ट्रीमिंग की भी बात आगे जरूर करेंगे, लेकिन अब बात करते हैं स्क्वाड की, सारी टीमों की स्क्वाड कौन कौन है, कौन कौन अपनी टीम के लिए कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, एंड शुरुआत करते हैं सबसे पहले टीम कौन से आप बताने वाले हैं, किस टीम से शुरुआत करेंगे स्क्वाड बताने। जरूर, सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंडिया ए की स्क्वाड से। जी हाँ, और अगर उनकी स्क्वाड की बात करें तो तिलक वर्मा कप्तान है, अभिषेक शर्मा, आयुष बदौनी, निशांत सिद्धू, रमनदीप सिंह, अनुज रावत, प्रभ सिमरन सिंह, निहाल वदेरा, अंशुल काम्बोज, ऋतिक शौकीन, आकिब खान, वैभव अरोड़ा, रासिक सलाम, साई किशोर और राहुल चहर। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं स्क्वाड है जो कि इंडिया ए की रहने वाली है, उसको लीड करेंगे तिलक वर्मा। जी हाँ, और बहुत अच्छी टीम नजर आ रही है, और देखेंगे कि आखिर परफॉर्मेंस कितनी अच्छी हो पाती है। उसके बाद आगे बढ़े, अगर यहाँ पर पाकिस्तान ए की स्क्वाड की बात करें तो उनकी स्क्वाड जो है वो कुछ रहने वाली है, मोहम्मद हैरिस कप्तान होंगे, नसीबुल्ला, यासिर खान, हैदर अली, सैयद मोहम्मद अब्दुल समद, उसके बाद उमेर बिन यूसुफ, कासिम अकरम, अराफत अहमद, मिनास अहमद, डैनियल लतीफ, दानियाल लतीफ, मेहरान मुमताज, सूफियान मुखिम, जमान खान, शाहनवाज दानी, जी हाँ जो आप जानते हैं शाहनवाज दानी, मोहम्मद इमरान और मोहम्मद अब्बास अफरीदी। तो ये कहीं ना कहीं नाम पुराने हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, कुछ नाम जो लास्ट इमर्जिंग में भी खेले थे वो भी यहाँ पर मौजूद। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कि अपना एक्सपीरियंस यूज करें, देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान की टीम किस तरह से परफॉर्मेंस करने में कामयाब रहती है। आगे बढ़ते हैं अगली स्क्वाड की बात करते हैं यार, वो स्क्वाड कौन सी टीम की आती है। जरूर, श्रीलंका ए की स्क्वाड की बात करें तो उनके कप्तान नुएंडो फर्नांडो हैं, और उसी के बाद आगे चले तो लहरू उदारा, यशोदा लंका,
जी हाँ, लासित क्रूसपुल्ले, सहान अर्चिजगे, पवन रत्नायके, एहसान मलिंगा, दिनोरा कालूपहाना, निपुण कंशिका, इशिता विजय सुंदरा, आहान विक्रमासिंगे, कवेंडू नदीशन, निमेश विमुक्ति, दुष्यंत हेमंता और रमेश मेंडिस। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं खेल जी हाँ, रमेश मेंडिस वही है जो आप सोच रहे हैं सीनियर टीम पे लगातार खेलते हैं, और जो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि जो कप्तान है वो उड़ा उड़ाड़ा पे लगाया हुआ है वहां पर, लेकिन नहीं उन्होंने चेंज कर दिया गया है। अब फर्नांडो जो है कल ही चेंज हुआ है, कल कप्तान जो है तो फर्नांडो घोषित कर दिए गए। उसके बाद अगली स्क्वाड की यहाँ पर बात करते हैं अफगानिस्तान एक स्क्वाड की, जो ऑलरेडी ओमान में जाकर कई सारे मैचेस भी खेल चुकी है। अगर आप देखें कप्तान उनके दारविश रसूली जी हाँ, क्योंकि कप्तान है उनके। उसके बाद जुबैरुल्लाह अकबरी, वफी तारिकल, बिलाल समी, मोहम्मद इशाक, उसके बाद आगे बात करें नोमन शाह आगा, सराफुद्दीन अशरफ, उसके बाद नेंगे यालिया खान जी हाँ, करीम जनत, उसके बाद अल्लाह मोहम्मद गजनफर जी हाँ, ये भी यहाँ पर रहने वाले हैं, कैश अहमद, फरीदुन दाविद जी, सदीकुल्ला अतल, और उसके बाद अगर आप देखें सहीदुल्ला कमल और अब्दुल रहमान जी, अब्दुल रहमान, तो ये कहीं ना कहीं नाम जो है ये अफगानिस्तान एक ही स्क्वाड में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। आगे की स्क्वाड की बात करते हैं। जरूर, अब बात करें बांग्लादेश एक ही स्क्वाड की जी हाँ, तो यहाँ के इस टीम के कप्तान है बांग्लादेश ए के अकबर अली, सैफ हसन, बाकी जो आगे नाम ले नईम शेख, जिशान आलम, परवेज हसन, इमान, तौहिद रिदौय जी हाँ ये यहाँ पर है, ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेंगे देखना, शमी हुसैन, रकीबुल हसन, अलिस अल इस्लाम, महफूजुर रहमान, रवैबी, वसी सिद्दीकी, अबू हैदर रॉनी, रिपॉन मोंडोल, मारूफ मृधा, रिजॉयर रहमान राजा। बिल्कुल, तो ये बांग्लादेश की जो स्क्वाड है वो यहाँ पर रहने वाली है। अब इनकी दामदार हुआ कि आगे किस तरह से परफॉर्मेंस निकाल कर यहाँ पर देते हैं। आगे बढ़ते हैं ओमान की स्क्वाड की यहाँ बात करते हैं। आकिब इलियास जो कि कप्तान है, जतिंदर सिंह, सोहेब खान, खालिद खेल, प्रतीक श्रीकांत अतावले, अयान खान, हम्माद मिर्जा, शकील अहमद, दिशान मकसूद, कश्यप प्रजापति, सिद्धार्थ बुकापत्नम, सुफियान महमूद, कलीमुल्ला, रफीउल्ला और मोहम्मद मुजाहिद रजा। आप देखिए इसी स्क्वाड की हम बात कर रहे थे, यहाँ कप्तान वही है जो सीनियर आप टूर्नामेंट जीत जाएंगे, लेकिन ये पता नहीं समझ में नहीं आया, इससे अच्छा उन्हें मौका देते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हांगकांग की स्क्वाड की, इन्होंने भी वही किया। बिल्कुल सही कहा आपने, इन्होंने भी बहुत बड़ा एक जो ब्लंडर है कहें इतने अच्छे इमर्जिंग कप में। खैर बात करेंगे मोहम्मद निजाकत खान, अंशुमन रथ, मार्टिन, मोहम्मद निजाकत खान कप्तान जी हाँ, और अंशुमन रथ, मार्टिन क्वाइटजी, बाबर हयात, यासिन मुर्तजा, एजाज खान, जिशान अली, नसरुल्ला राणा, एहसान खान, अनस खान, अतिकुल रहमान इकबाल, आयुष शुक्ला, रजब हुसैन, दर्श वोरा, अली हसन। बिल्कुल, यहाँ पे भी आप देखिए सेम वही स्क्वाड आप देखते हैं, प्लेइंग 11 भी अभी से आपको भी पता होगा, हमें पता है कि कौन सी प्लेइंग 11 खेलने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं यूएई की स्क्वाड की बात करें, और इन्होंने बहुत सारे अच्छे नाम यहाँ पर दिए हैं, कुछ नेम्स इनके भी ऑप्ट आउट करे हैं। वासिल हमीद यहाँ पर कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, चलिए अलग कप्तान तो है कम से कम, निजाकत और आकिब हाँ। जो सेम कप्तानी यहाँ पर दे दिए हैं। उसके बाद अंश टंडन, उसके बाद आर्यन शर्मा, मयंक कुमार, मोहम्मद जवादुल्ला, ये बहुत अच्छा है, इनको जरूरत भी है बहुत सारे मैचेस की, मोहम्मद फारूक, निरंज केशवानी, ध्रुव परासर, राहुल रजा, आकिब, संचित शर्मा, उमेद रहमान, सैयद हैदर, तनिष सूरी, विष्णु सुकुमारन, ये काफी चलिए फिर भी ठीक ठाक नेम्स है। कप्तान भी यहाँ पर अलग है, मोहम्मद वसीम है, अयान अफजल खान है, जहूर खान है, जुनैद सिद्दीकी है, ये लोग वित्तीय अरविंद है, वित्तीय अरविंद तो पता नहीं मेन टीम से बाहर चल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये सब नाम भी यहाँ पर ऑप्ट आउट नहीं किए गए हैं। खैर ये पूरी स्क्वाड थी आठ टीमों की, अगर यहाँ पर बात करें अब एट द एंड लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में क्या है? नहीं जरूर, देखिए यूट्यूब में ACC का ऑफिशियल चैनल है, तो वहां पर इसकी पूरी जो स्ट्रीमिंग है जैसे लास्ट ईयर हुई थी सेम एज इस साल भी वही रहने वाला है, और इंडिया पाकिस्तान के जो नॉकआउट्स गेम्स है बस उसको एक्सक्लूड कर जो बाकी सारे मैचेस हैं वो ACC के इमर्जिंग एशिया कप में सारे पूरे ACC का जो यूट्यूब चैनल है ऑफिशियल उसमें आप देख सकते हैं, और इसके जो अफगानिस्तान के बीच उससे पहले टी20 सीरीज भी हुई उससे
कहीं ना कहीं समझ में आता है कि एवरेज स्कोर इस ग्राउंड पर क्या रहने वाला है, खास करके शुरुआती फेज में, क्योंकि पिच बहुत यूज भी होगी, तो लास्ट तक जाते जाते शायद हम फिर लोअर स्कोरिंग गेम देखने को मिले नॉकआउट्स वगैरह में, लेकिन शुरुआत के ग्रुप स्टेज में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं एवरेज स्कोर? बिल्कुल 160-170 के करीब ये जो एवरेज अच्छा है, बिल्कुल काफी अच्छा बैटिंग विकेट देखने को मिला है। कोई मुश्किल या कोई बॉलें जो फॉर्म ने देखी ओमान और अफगानिस्तान ट्राई सीरीज में भी और बायलैटरल में भी जो टी ट्वेंटी हुए थे वहाँ पर, ऐसी कोई ख़राब या बॉल नीचे नहीं जा रही है या बहुत ज़्यादा टर्न वर्न नहीं, एक लिमिट में है हर चीज़, और बैटिंग के लिए भी काफ़ी अच्छी है। बॉल पुरानी होने के बाद थोड़ी सी 10 ओवर 12 ओवर के बाद थोड़ी हल्का टर्न ले रही है। 160-170 एवरेज। बिल्कुल, ये सारे अपडेट्स थी एसएससी इमर्जिंग एशिया कप से रिलेटेड, और बाकी सारे अपडेट्स के लिए क्रिकेट चैनल सब्सक्राइब करिए और सब कंप्लीट कवरेज यहाँ पर इमर्जिंग कप का लगातार मिलेगी, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बने रहिए क्रिकेट चैनल के साथ। फिलहाल इस वीडियो में